अब हम ड ढ ळ ढ वर्णों के उच्चारण और लेखन के विषय में समझेंगे, ठीक है जी टीचर जी। सबसे पहले है ड, सभी बच्चे बोलेंगे ड। ड बच्चों, ड मूर्धन्य ध्वनि है। इसके उच्चारण में अंदर से आती वायु जीभ की नोक द्वारा मूर्धा को छूकर रुकती हुई बाहर निकल जाती है। जीभ की नोक मुंह में ऊपर के जिस हिस्से में टकराती है उस हिस्से को मूर्धा कहते हैं। ड वर्ण शब्द के आरंभ, मध्य और अंत में प्रयोग किया जाता है और अंत में प्रयोग किया जा सकता है। ड से शुरू होने वाले शब्द हैं डलिया, डमरू। ड से शुरू होने वाले एक दो शब्द आप भी बताइए जी टीचर जी। ड से डाली, डोली। शाबाश राजू भैया, ड का प्रयोग शब्दों में बीच में भी होता है, जैसे खंडित, मंडित, मंडला। आप भी ऐसे एक दो शब्द बताइए जिनके बीच में ड वर्ण आया हो जी टीचर जी। खंडवा, पंडित। अरे वाह, कई शब्दों के आखिरी में भी ड वर्ण का प्रयोग होता है, जैसे खंड, प्रचंड। अब आप दो शब्द बताइए जी टीचर जी। ब्रह्मांड, ठंड। बहुत अच्छे राजू भैया, ड के बाद का वर्ण है ढ, बोलिए ढ। ढ ढ भी मूर्धन्य ध्वनि है। इसका उच्चारण अंदर से आती वायु द्वारा जीभ की नोक से मूर्धा को छूते हुए होता है। लेखन में ढ वर्ण शब्द के आरंभ, मध्य और अंत में प्रयोग किया जा सकता है, जैसे ढाक, ढाल। ढ से शुरू होने वाले एक दो शब्द आप भी बताइए जी टीचर जी। ढ से ढपली, ढक्कन। शाबाश राजू भैया, ढ का प्रयोग शब्दों के बीच में भी होता है पर ऐसे शब्द बहुत कम है, जैसे मेंढक। जी टीचर जी। कई शब्दों के आखिरी में भी ढ वर्ण का प्रयोग होता है, जैसे गड्ढा, ठीक है जी टीचर जी। बुड्ढा भी ऐसा ही शब्द है ना? बिल्कुल ठीक राजू भैया। चलिए अब हम ळ और ढ व्यंजन के उच्चारण और उनके शब्दों में होने वाले प्रयोग के बारे में बताएंगे जी टीचर जी। ळ, ये द्विगुण व्यंजन है, इन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। इसका उच्चारण भी मूर्धा से होता है। मेरे साथ इनका उच्चारण कीजिए, ळ ळ। एक बार फिर ळ ळ। शाबाश, आपने सही उच्चारण किया। ळ वर्ण से किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती पर ळ का प्रयोग कई शब्दों के बीच में और आखिरी में होता है, जैसे ळ के बीच के प्रयोग वाले शब्द हैं सड़क, लड़ाई। आप भी दो शब्द बताइए कड़क, कड़ाई। ळ के अंत में प्रयोग वाले शब्द हैं गौड़, पेड़, ताड़। आप भी ळ के अंत के प्रयोग वाले दो शब्द बताइए जी टीचर जी। भेड़, आड़। शाबाश, इसके बाद है ळ। ळ ये भी द्विगुण व्यंजन है। इसका उच्चारण जीभ की नोक द्वारा मूर्धा के थोड़े अंदर से आती हुई वायु को रोक कर किया जाता है, बोलिए ढ। ढ। एक बार फिर ढ। ढ। बहुत अच्छे, ढ वर्ण से भी किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती है। लेखन में ढ का प्रयोग कई शब्दों के बीच में और आखिरी में होता है, जैसे ढ के बीच के प्रयोग वाले शब्द हैं पढ़ना, चढ़ना। आप भी दो शब्द बताइए पढ़ना, गढ़ना। ढ के अंत में प्रयोग वाले शब्द हैं पढ़, चढ़, बाढ़। आप भी ढ के अंत के प्रयोग वाले दो शब्द बताइए जी टीचर जी। गढ़, चढ़। शाबाश, ढ और ढ को उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं।
इनके उच्चारण के समय जीभ ऊपर उठकर झटके के साथ नीचे आती है। अब हम ड ढ ळ ळ वर्णों की पहचान के लिए कुछ अभ्यास करेंगे। आप लोग तैयार हैं? जी टीचर जी, हम तैयार हैं। आप अपनी वर्कबुक में पेज नंबर 154 पर दिए गए अभ्यास 215 को देखिए। जी टीचर जी, पेज नंबर 154 और अभ्यास 215 मिल गया टीचर जी। राजू भैया, इस अभ्यास के लिए दिए गए निर्देश को पढ़कर सुनाइए। जी टीचर जी, इसमें लिखा है दी गई कविता में ड ढ ळ ढ वाले शब्द खोजकर लिखिए। हाँ, पेज नंबर 153 पर दी गई कविता को एक बार फिर पढ़िए और उसमें ड ढ ळ ढ वर्ण वाले जो भी शब्द आए हैं उन्हें उसी वर्ण के सामने लिखना है। तो आप फिर से उस कविता को पढ़िए, ठीक है? जी टीचर जी। पहली लाइन है, पढ़ने के चक्कर में मुझको सुबह जागना पड़ता। इस लाइन में कौन से शब्दों में ड ढ ळ ढ में से कोई वर्ण आया है? पहला शब्द है पढ़ना और आखिरी शब्द पड़ता। टीचर जी, पढ़ना और पड़ता में ढ और ळ वर्ण बीच में आए हैं। बिल्कुल सही। अब आप इनके नीचे एक रेखा खींचकर रेखांकित कर लीजिए। बाद में इन्हें इन वर्णों के सामने लिख लीजिएगा। जी टीचर जी। दूसरी लाइन पढ़िए, पढ़ा पढ़ाया पाठ दोबारा उठकर पढ़ना पड़ता। इसमें पढ़ा पढ़ाया पढ़ना और पढ़ता चार शब्दों में ढ और एक शब्द में ळ वर्ण आया है। इन्हें रेखांकित कर लूं? हाँ बिल्कुल, सभी बच्चे इन्हें रेखांकित कर लीजिए। जी टीचर जी, कर लिए। अगली लाइन है, चिड़ियों की आवाज सुरीली आकर मुझे चिढ़ाती। इसमें चिड़ियों में ळ और चिढ़ाती में ढ वर्ण आए हैं। मैं इनको भी रेखांकित कर रहा हूँ। बिल्कुल। आगे है, डरा डरा कर बहन हमेशा डंडा ले समझाती। इसमें ड ढ ळ ढ वर्णों में से कौन कौन से वर्ण आए हैं? टीचर जी, इसमें डरा डरा और डंडा तीनों शब्दों में ड वर्ण आया है। मैंने इसको रेखांकित कर भी लिया है। बिल्कुल सही किया है। चलिए अगली लाइन आप पढ़िए, दादी बनकर ढाल सदा ही ढाढ़स मुझे बंधाती। इस लाइन में ढाल और ढाढ़स शब्दों में दो बार ढ और एक बार ढ वर्ण आया है। ढाल में ढ और ढाढ़स में ढ और ढ दोनों आए हैं। आपको दिख रहे हैं? जी टीचर जी, ढाल और ढाढ़स इन्हें रेखांकित कर लूं? हाँ कर लीजिए। आखिरी लाइन पढ़िए और ड ढ ळ ढ वर्ण वाले शब्द खोजिए। जी टीचर जी, मम्मी फिर भी डांट डांट कर शाला मुझे पठाती। टीचर जी, इसमें डांट डांट कर शब्दों में ड वर्ण दो बार आया है। इसको रेखांकित कर लूं? हाँ बिल्कुल कीजिए। अब कविता में रेखांकित किए शब्दों को हम अभ्यास 215 में दिए गए वर्णों के सामने लिखेंगे। सबसे पहले कविता के नीचे की तीन लाइनों में से ड और ढ वर्ण वाले शब्द ड और ढ वर्ण के सामने लिखेंगे। जी टीचर जी। सबसे पहले ड वर्ण वाले रेखांकित शब्द पढ़िए, डरा डरा कर डंडा डांट डांट कर। इन शब्दों को अभ्यास 215 में ड वर्ण के सामने लिख लीजिए। सभी बच्चे लिखेंगे? जी टीचर जी, डरा डरा कर डंडा डांट डांट कर। जी टीचर जी, लिख लिए। शाबाश। अब ढ वर्ण वाले शब्दों को लिखिए। जी टीचर जी, ढाल ढाढ़स। लिख लिए टीचर जी। अब कविता की ऊपर की तीन लाइनों में से ड और ढ वर्णों वाले शब्द ड और ढ वर्ण के सामने लिखेंगे।
इन लाइनों के रेखांकित शब्दों में से ड वर्ण वाले शब्दों के ड वर्ण के सामने लिख लीजिए। पढ़ता जीडियों। जी टीचर जी, लिख लिए। ड वर्ण वाले शब्द देखकर पढ़िए। ड वाले 5 शब्द हैं। पढ़ने, पढ़ा, पढ़ाया, पढ़ना और चिढ़ाती। पढ़ने, पढ़ा, पढ़ाया, पढ़ना और चिढ़ाती। अब इन शब्दों को ढ वर्ण के सामने लिख लीजिए। जी टीचर जी। पढ़ने, पढ़ा, पढ़ाया, पढ़ना और चिढ़ाती। लिख लिए टीचर जी। शाबाश। जो बच्चे सभी शब्द नहीं लिख पाए हैं, उन्हें वो होमवर्क में अपने बड़े भाई बहन, माता पिता या अपने टीचर की मदद से लिख लेंगे। ठीक है जी टीचर जी। अब इसी पेज पर अभ्यास 216 को देखिए और इसमें दिए गए निर्देश को पढ़िए। अभ्यास 216। टीचर जी, इसमें निर्देश है दिए गए उदाहरण के अनुसार दो दो शब्द लिखिए। हाँ, इसमें एक उदाहरण भी दिया गया है। पढ़ना इसमें ढ वर्ण शब्द के बीच में आया है। इसी तरह के दो शब्द इसके आगे दिए गए हैं, बढ़ना और गढ़ना। ठीक है जी टीचर जी। दूसरा शब्द है पढ़ना, इसमें ड वर्ण बीच में आया है। आप लोगों को ऐसे दो शब्द लिखना है जिनमें ड वर्ण बीच में आया हो, तो आप इसे होमवर्क में पूरा करेंगे। ठीक है टीचर जी, कक्षा के बाद हम इसे पूरा कर लेंगे। शाबाश राजू भैया। राजू भैया, अब अगले पेज पर हमें गोले में दिए गए ड, ढ, ड, ढ वर्णों वाले शब्दों को पहचान कर ड, ढ, ड, ढ वर्ण के सामने लिखना है। आप लोग पेज नंबर 155 पर अभ्यास 217 निकालिए। जी टीचर जी, पेज नंबर 155 पर अभ्यास 217 मिल गया। इस अभ्यास में बने गोले में दिए गए शब्द पढ़िए। ढक्कन, ठंडक, डर, दलिया, तोड़, लड़ाई, गढ़ा, कढ़ा। बढ़िया। अब बताइए इनमें ड वर्ण वाले शब्द कौन कौन से हैं? इन शब्दों में ठंडक, डर और डलिया में ड वर्ण आया है। ठीक है, तो आप इस अभ्यास को भी होमवर्क के रूप में करेंगे। ड वर्ण के आगे ड वाले शब्द, ढ में ढ वाले शब्द और ऐसे ही ड और ढ वाले शब्द भी खोज कर लिखेंगे। फिर जब आपके शिक्षक आपसे मिलने आए तो उन्हें दिखाकर जांच करा लीजिएगा। ठीक है जी टीचर जी। अब आज की रेडियो कक्षा में इस पाठ का आखिरी अभ्यास करेंगे। आप लोग अभ्यास 218 देखिए और बताइए इसमें क्या करना है। अभ्यास 218। टीचर जी, इसमें लिखा है कि निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। हाँ राजू भैया, इस अभ्यास में जो शब्द दिए गए हैं, इनके ड, ढ, ड, ढ वर्णों को शुद्ध नहीं लिखा है। जैसे लड़ाकू को लड़ाकू लिखा है, जो अशुद्ध है। हमें सही शब्द लड़ाकू लिखना है, यानी ड की जगह ड। ठीक है जी टीचर जी। लड़ाकू के सामने शुद्ध वर्तनी वाला शब्द लिखेंगे लड़ाकू। आप सभी इसी प्रकार से अन्य शब्दों की वर्तनी भी ठीक करेंगे, लेकिन कक्षा के बाद। ठीक है बच्चों, अब ये कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं और आपको लेकर चलते हैं कार्यक्रम के उस हिस्से में जहाँ पे हम सुनेंगे हिंदी वर्णमाला में शामिल स्वर अक्षरों को सीखने का ये गीत, जिसे मध्य प्रदेश के आप सभी बच्चों के लिए शंकर महादेवन अकादमी ने विशेष तौर पर तैयार किया है। और आप तक पहुंचाने के लिए हमें भेजा है समग्र शिक्षा अभियान यानी राज्य शिक्षा केंद्र ने।